हेलो फ्रेंड, यानी कि एक लैपटॉप आ रखा है हमारे पास, सैमसंग का मिनी लैपटॉप है। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या है, अभी हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। यानी कि कम्प्लीटली हमें पता होगा डीसी पावर सप्लाई से, यानी कि डीसी पावर सप्लाई पे इसका स्टेटस क्या है वो कम्प्लीट चेक कर लेते हैं। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि इस पर एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले देखिए, हमने ये डीसी पावर सप्लाई का कनेक्शन है हमारा, तो उस कंडीशन पर हमने क्या कर दिया इसको कम्प्लीटली। देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या है, 19 वोल्ट तो है बट एम्पियर नहीं ले रहा है। यानी कि इसका मतलब है या तो हमारा एडाप्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या फिर ये देखिए यहाँ पे एम्पियर ले लिया है। कितना एम्पियर लिया? 10 एम्पियर लिया है। 10 एम्पियर लिया और इसका मतलब है कि 10 एम्पियर, और इसका हम क्या करते हैं ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो इसका स्विच ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, मिसिंग है। तो उस कंडीशन पे स्विच ब्रेक हो रखा है, बट मैं इसको ट्वीज़र के स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से ऑन करने का ट्राई करूँगा। तो देखिए यहाँ पे वेरिएशन पे कोई एम्पियर पे कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, तो मैंने इसको ऑन करके देख लिया है। देखिए यहाँ पर कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा, तो अब हम इसको डिसेबल करके देखते हैं इस लैपटॉप में कि इसका प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद मैं आपको जल्दी अपडेट कराता हूँ। थैंक यू। तो देखिए हमने यहाँ लैपटॉप रिमूव कर लिया है। अब लैपटॉप रिमूव करने के बाद अब इसका स्टेटस देखते हैं कि क्या है। इसको हमें लैपटॉप से रिमूव करना पड़ेगा कम्प्लीटली। ये देखिए ये वायरलेस एंटीना है, पहले हमें इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। और जो भी हमारे लैपटॉप, ये देखिए एलवीडीएस केबल है, और एलवीडीएस केबल को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, तो उसको देखना पड़ेगा कि हमारे सिस्टम यानी कि मदरबोर्ड में कितने स्क्रू ड्राइवर हैं, स्क्रू हैं, तो स्क्रू ड्राइवर से हमें उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी एक है। और एक चीज़ देखिए, जैसे कि अब आपको कई बार कन्फ्यूजन होता है कि किस होल पे आपको स्क्रू लगाना है और किस पे नहीं लगाना है, तो मैं आपको साफ क्लियरली बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक होल है, यानी कि कंप्लीट मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के मदरबोर्ड में क्या है, होल है। तो इन सारे मदरबोर्ड में किस किस मदरबोर्ड यानी किस किस होल पे आपको क्या स्क्रू लगाने हैं, तो देखिए ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट होल यानी कि कंप्लीट रिंग है, यानी कि इस रिंग पे आपको स्क्रू नहीं लगाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक एरो का ऑप्शन है, और यहाँ पे हाफ यानी कि यहाँ पे क्या है आपका हाफ पॉइंट है, यानी कि इस वाले होल पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रू लगाना पड़ेगा, और इस वाले होल पे आपको स्क्रू नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे भी हमें स्क्रू नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना है स्क्रू, यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे नहीं लगाना, और यहाँ पे लगाना है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ये मेन चीज़ है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता ये चीज़। तो अब ये हो गया हमारा एसएसडी सेक्शन, यानी कि हार्ड डिस्क को भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, ऑलरेडी हार्ड डिस्क को भी रिमूव कर दिया है, और हमने सारे मदरबोर्ड के स्क्रू को रिमूव कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, लैपटॉप से मदरबोर्ड को आउट करते हैं। ओके, अब ये आउट करने के बाद अब हमने चेक किया सारे सेक्शन क्या क्या करना है। तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीमीटर है, यानी कि मल्टीमीटर को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन करना है वोल्टेज मोड पे, यानी कि कंप्लीट वोल्टेज चेक करना है। तो उस कंडीशन पे यहाँ पे देखिए इसका डीसी पोर्ट भी प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को, क्योंकि डीसी पोर्ट को पकड़ने पे ही यहाँ पे एम्पियर कनेक्ट हो रहा है, यानी कि ये कनेक्ट हो रहा है। तो उस कंडीशन पे देखिए हमें एक बार कम्प्लीटली चेक करना पड़ेगा कि इस सेक्शन पे क्या क्या प्रॉब्लम है। कोई आपका आउटपुट कॉइल हो या कॉइल्स में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, तो उस कंडीशन पे देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। ये देखिए मल्टीमीटर पे देखिए यहाँ पे आपका यानी कि 19 वोल्ट इन हो रहा है, तो उस कंडीशन पे यहाँ से हमारा वोल्टेज इन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वोल्टेज बन रहा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं बन रहा, तो उस कंडीशन पे यानी कि यहाँ पे इन होने के बाद अब हमारा सेक्शन शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे एक बार कि सारे कॉइल पे कोई ना कोई। तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना है, बजर मोड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए ये बैटरी लो है हमारा,
यहाँ पे बैटरी लो का भी ऑप्शन दिखा रहा है। तो बैटरी जब लो होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा, यानी कि कंप्लीट प्रॉपर रीडिंग शो नहीं करता, ये कुछ रॉन्ग रीडिंग शो करेगा। इसके लिए हम मल्टीमीटर को अब चेंज करते हैं। स्टॉप हो रहा है, क्या हो यार मल्टीमीटर फ्रेंड। यहाँ पे हमने आपको मदरबोर्ड रिमूव करके दिखा दिया है। अब चेक करते हैं हम आपका एम्पियर। देखिए यहाँ पे एम्पियर आ गया है आपका। ये देखिए यहाँ पे एम्पेयर शो कर रहा है, यानी कि ये हमारा एम्पेयर का बार है। ए यानी कि एम्पेयर भी, यानी कि वोल्टेज 19.5 वोल्ट है और एम्पेयर पे सेट किया है हमने। यानी कि यहाँ पे एम्पेयर कितना शो कर रहा है, 0.010। यानी कि इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम में सिस्टम ओके है। शायद मेरे हिसाब से इसमें बायोस का प्रॉब्लम लग रहा है। तो सबसे पहले एक बार हम इसको बायोस को रिमूव करके, यानी कि बायोस को प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। तो चलिए पहले हम सबसे पहला जो ऑप्शन होता है, मैंने ऑलरेडी मदरबोर्ड चेक कर लिया है, इसमें शॉर्टिंग नहीं है, वोल्टेज में प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है। बट तब भी आपका सिस्टम, यानी कि देखिए यहाँ पे एम्पेयर शो कर रहा है और ये स्विच है। देखिए यहाँ पे स्विच है और ये स्विच, यानी कि ये देखिए ये स्विच है और इस स्विच को ऑन करते ही देखिए वहाँ पर एम्पेयर पर कोई वेरिएशन नहीं हो रहा ना। ये देखिए वेरिएशन नहीं हो रहा, इसका मतलब आपका। एक बार हम सबसे पहले क्या करते हैं, बायस को प्रोग्रामिंग करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बायस को प्रोग्राम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना कैसमो खुश मिलो तो देखते हैं इसका बायोस कहाँ है। किस मिनट देखे सामने, तो सबसे पहले हम बायोस ढूंढते हैं इसका कि बायोस कहाँ पे है। बायोस हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा इसका बायोस, तो बैक साइड पे जाते हैं इसके। तो देखिए यहाँ पे, यानी कि ये आपका क्या है, बायोस है। ये पॉइंट क्या है आपका, बायोस है। यानी कि ये पॉइंट आपका बायोस है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिमूव करेंगे। ट्विजर कहाँ है, मैं एक बार ट्विजर ले लेते हैं। ट्विजर लेने के बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बायस को रिमूव करना पड़ेगा।
10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट इजीली हमने बायस को रिमूव कर दिया है। बायस को रिमूव करने के बाद अब बायस को प्रोग्राम करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको बायस प्रोग्रामिंग के लिए देखिए यहाँ पे एस वीडियो हमारे पास जो बायस प्रोग्रामर है यानी कि ये है हमारे पास एस वीडियो 3 यानी कि ये लेटेस्ट यूनिवर्सल प्रोग्रामर है जिसके थ्रू हम बायोस प्रोग्राम करना आईओ प्रोग्रामिंग करना यानी कि काफ़ी सारे मोबाइल रिलेटेड जैसे कि नैंडी प्रोग्रामिंग यानी कि कंप्लीट ईएमएमसी के सम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसमें कंप्लीटली यूनिवर्सल प्रोग्रामर है तो इसको हमें क्या करना क्या पड़ेगा ये कुछ मोड़ कुछ मोड़ तो सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे हमारा एस वीडियो प्रोग्रामर। तो एस वीडियो जैसे हमने प्रोग्राम किया तो ये हमारा है इसका हेड यानी कि बायोस सेटिंग करने का हेड है। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं अपने एस वीडियो प्रोग्रामर पे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना क्या पड़ेगा यहाँ पे एक पॉइंट है यानी कि यहाँ पे एक डॉट है इसे बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और इसी के थ्रू यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पे देखिए डिवाइस यानी कि इस डिवाइस के आगे भी एक पॉइंट है जिस पे ए लिखा है यानी कि ए से स्टार्ट है ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इस कंडीशन पे इसका स्टार्टिंग और इसका डिवाइस का स्टार्टिंग को क्या करना है हमें कनेक्ट करना है। देखिए ये प्रॉपर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और ये कनेक्ट भी हो चुका है। और आपको करना क्या पड़ेगा एस वीडियो प्रोग्रामर पे इसको सेट करना है इसके लास्ट के 4 पिन पे। देखिए ये हमारा एस वीडियो प्रोग्रामर पे सेट हो चुका है तो हम इसको क्या करेंगे प्रोग्राम करेंगे। तो अब हम सबसे पहले अपना एस वीडियो प्रोग्रामर ओपन करेंगे यस करना है फर्स्ट स्टेज। देन देखिए जैसे ही हमारा प्रोग्रामर ओपन हो गया तो उस कंडीशन पे ये मोड ऑफ प्रोग्रामर बोल के ऑप्शन है तो यहाँ पे जाके आपको SPI-25 फ्लैश को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही ये सिलेक्ट हो गया देखिए यहाँ पे हमारा 8 पिन बायोस कनेक्ट हो चुका है। अब सेकंड जो ऑप्शन है हमारा वो है रीड आईडी। क्या करना पड़ेगा हमें रीड आईडी यानी कि रीड आईडी करते ही देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन क्या हो गया हाईलाइट हो गया। इससे पहले क्या थे सारे ऑप्शन हाइड थे तो अब ये हो गया हमारा हाईलाइट यानी कि जो पहला ऑप्शन होता है सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो आपका रीड का ऑप्शन होता है। रीड हमें किस लिए करना है क्योंकि रीड इसलिए करना है कि जो ऑलरेडी पुराना बैकअप है उस बैकअप को हमें क्या करना है सेव करना है। जैसे कि मानो आपका नो डिस्प्ले प्रॉब्लम है या कुछ सम प्रॉब्लम है बट आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप ऑन है उस कंडीशन पे अगर हम डायरेक्टली इसको इरेज करते हैं तो जैसे कि हम प्रोग्रामिंग करेंगे इरेज के बाद तो उस कंडीशन पे हमारा प्रोग्रामिंग सेट नहीं हुआ या सपोर्ट नहीं किया तो हमारा लैपटॉप क्या हो जाएगा डेड कंडीशन में चला जाएगा। और कस्टमर को क्या चाहिए डेड कंडीशन नहीं उसने तो डेड कंडीशन नहीं दिया है तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको एक बार रीड करके सेव करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सेव का तो हम इसको सेव कर लेंगे। अब सेव करने के बाद इसको हम डेस्कटॉप में देखें ये डेस्कटॉप में यहाँ पे हमने क्या कर दिया बैकअप बैकअप बैक डॉट बिन फाइल बोल के इसका नाम दे दिया और सेव कर दिया। तो उसके बाद देखिए ये होने के बाद अब दूसरा जो ऑप्शन होता है हमारा यानी कि जो भी हमारा मदरबोर्ड है यानी कि इस मदरबोर्ड का क्या होगा मॉडल नंबर है। देखिए यहाँ पे लिखा है इस मदरबोर्ड का मॉडल नंबर ये देखिए यहाँ पे लिखा है इस मदरबोर्ड का मॉडल नंबर। हम इस मदरबोर्ड का मॉडल नंबर के थ्रू यानी कि इसका बायोस को क्या करेंगे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है गूगल बाबा जिंदाबाद क्योंकि गूगल से ही हम सारा इजीली जो भी बायोस फाइल है स्कीमेटिक फाइल है बोर्ड व्यूवर है यानी कि फ्री वाले पहला ट्राई हम फ्री वाले से करते हैं। तो इसका मॉडल है देखिए ERIC हाफेन VR VE हाफेन R
यानी कि देखिए जैसे ही आपने किया, यानी कि यहाँ पे भी देखिए इस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे, इस मॉडल नंबर पे क्या लिखा है हमारा वर्जन कितना है 1.0, तो यहाँ पे भी वर्जन कितना है 1.0। तो यही चाहिए हमें, स्कीमेटिक नहीं चाहिए, इसका क्या चाहिए बायोस चाहिए, बोर्ड व्यूवर जो भी चाहिए हम इजीली निकाल लेते हैं। तो उस कंडीशन पे देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा अलीबाबा, यानी कि अलीबाबा अली सेलर क्या है हमारा फ्री साइट है। तो हम इसी से डाउनलोड करेंगे हमारा बायोस फाइल। तो देखिए यहाँ पे दिखा दिया है सैमसंग का बायोस aliseller.com, यानी कि इस मॉडल का बायोस ईजिली। देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड, तो हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए और डाउनलोड, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। यानी कि जब हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया, इसको हम यहाँ से कट करके आपको इजीली डेस्कटॉप में दिखाएंगे। और यहाँ पे अगेन नया न्यू फोल्डर टू है, न्यू फोल्डर टू में पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको करना पड़ेगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे। ओहो, उसका मतलब ये हमारा ओके। अब एक काम करो, त्यो गरेर चाहिँ राइट क्लिक गरेर विनजिप बटन, कहिले कहिले हामी डाउनलोड गर्छौँ नि त्यहाँबाट हुँदैन भनेर विनजिप बटन, त्यसमा पनि त रिस्मी कोटी सुन्न छ त केही छैन। त्यो कई बार क्या होता है कि अगर हमारा यानी कि हमारा विनआरआर से नहीं सपोर्ट करता, तो उस कंडीशन में हमें करना क्या पड़ेगा, विनजिप से स्टार्ट करना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि हमारा विनआरआर फाइल जो फाइल है यानी कि जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो चुका होता है, उसके कारण भी हमारा एक्सट्रैक्ट नहीं करता। तो हम अभी क्या करेंगे, सबसे पहले विनजिप से ट्राई करेंगे। तो पहले हम विनजिप को डाउनलोड कर लेते हैं, ऑलरेडी हमारे पास विनजिप है, तो हम विनजिप ही क्या करते हैं, विनजिप को एक्सट्रैक्ट करते हैं। न्यू फोल्डर टू ये था हमारा, राइट क्लिक किया उसमें, ये देखिए 7-zip विनजिप है, एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हैं। जैसे हमने एक्सट्रैक्ट हेयर किया, देखें यहाँ पे क्या आ गया हमारा सैमसंग एन, यानी कि ये हमारा बिन फाइल आ गया। यानी कि अब हमें ये हमारा बिन फाइल हमने डाउनलोड कर लिया है, अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो ये हमारा फोल्डर टू पे है, ये आपको पता है। तो इस कंडीशन पे यानी कि हम अब जाएंगे अगेन एस वीडियो प्रोग्रामर सेटअप पे। तो यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहले करना क्या है कि हम फाइल के थ्रू यानी कि यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और इजीली हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओपन और सेव इसका ऑप्शन दे रखा है। तो ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये डेस्कटॉप का ऑप्शन आ गया, यानी कि डेस्कटॉप सिलेक्ट है हमारा। तो यहाँ से हमारा कौन सा फोल्डर था, हमारा न्यू फोल्डर टू, यानी कि देखिए न्यू फोल्डर टू आ गया, और यहाँ पे सैमसंग, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। और सिलेक्ट करने के बाद अब करना क्या है आपको, राइट, बस कुछ नहीं करना है, राइट करना है इरेज ब्लैंक चेक वेरीफाई, यानी कि ये कंप्लीट हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया है। तो ये एक टाइम इरेज करेगा, उसके बाद ब्लैंक चेक करेगा, उसके बाद वेरीफाई यानी कि कंप्लीट कर देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा राइट। थोड़ा टाइम लेगा ये। अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा कंप्लीट, यानी कि यहाँ पे वेरीफाई ओके बोल दिया, बोलने के बाद यानी कि हमारा कंप्लीट क्या हो गया, बायोस प्रोग्रामिंग हो चुका है, वेरी इजी है। अब एक बार हम इसको रिमूव करके क्या करेंगे, बायोस को अगेन सिस्टम पे कनेक्ट करके फिर चेक कर लेते हैं। तो हमारा ओके है, तो अब करेंगे क्या, बायोस को हम क्या करेंगे, जरूरी नहीं है ब्लेड से यूज करना, अब हम इसको आयरन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा डॉट है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये मदरबोर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा बायोस का स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये देखिए मदरबोर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि इसको और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या होगा, प्रॉपर बायोस कनेक्ट होगा। तो हम क्या करते हैं,
कि थोड़ा इसमें मटेरियल लगाना पड़ेगा, तो कई बार मटेरियल के कारण ही क्या होता है ऐसे कनेक्ट नहीं होता। देखिए सेटअप हमारा मटेरियल हो चुका है ऑलरेडी, तो उस कंडीशन में हमने आयरन को लगा दिया है। और यानी कि अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस स्टार्टिंग पॉइंट को हमें करना क्या पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे कनेक्ट करना है और आयरन से क्या कर देना है इसको सेट। हम बुलेट से भी कर सकते हैं बट इजी हम मेरे को ऐसे ही इजी होता है। यहाँ पे सेट हो गया है। अब ये सेट होने के बाद हमें दूसरे साइड से भी सेट करना पड़ेगा, तो इस कंडीशन पे ये पहला वाला ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, थर्ड है, और लास्ट। देखिए हमें क्या करना है, इजीली कनेक्ट करना है। देखिए यानी कि वॉइस क्या हो गया हमारा इजीली लग चुका है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा हमें इसको क्लीन कर देना पड़ेगा, यानी कि इस पर क्या लगा है मटेरियल, ये ऑलरेडी हमारा बायोस कनेक्ट हो चुका है। अब करेंगे क्या थोड़ा सा इसको, यानी कि जब भी हम इस पर लिक्विड कुछ लगाते हैं तो इसको हल्का सा हीट करके ड्राई कर देना है। चलिए तो हमने क्या कर दिया, प्रोग्रामिंग कर दिया है। प्रोग्रामिंग करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, लैपटॉप यानी कि जब हमने पहले इसको कनेक्ट किया था तो डीसी पावर सप्लाई पे कितना एम्पीयर शो किया था हमारा 10 to 11। तो अब हमने प्रोग्रामिंग यानी कि बायोस को प्रोग्राम कर दिया है, तो उसके बाद हम कनेक्ट करके देखते हैं एक बार। तो ये जो हमारा प्रोग्रामिंग था तो हमने इसको डिलीट कर यानी कि हटा दिया है। अब देखते हैं एक बार प्रोग्रामिंग यानी कि जब मैं ये हमारा डीसी कनेक्टर भी थोड़ा प्रॉब्लम लगता है, कई बार हमारा क्या होता है ये देखिए कितना आ गया एम्पेयर हमारा, अभी देखिए यहाँ पे एम्पेयर ये देखिए 15 एम्पेयर, यानी कि अब हमारा बायोस प्रोग्रामिंग हो चुका है। इसका मतलब क्या है, एक बार हम इसको डिस्प्ले यानी कि डिस्प्ले कनेक्ट करके देखते हैं इस पर डिस्प्ले आया कि नहीं आया। सबसे पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार डिस्प्ले के लिए चेक करना पड़ेगा। पहले हम इसको असेंबल नहीं करते हैं, सबसे पहले जो चेक करेंगे हम इसको डिस्प्ले के लिए चेक करेंगे। तो देखिए ये हमारा डिस्प्ले के लिए चेक करना है,
अब डिस्प्ले के लिए चेक करने के लिए करना क्या है कि सबसे पहले हमें कनेक्ट करना है अपना डीसी पोर्ट। देखिए थोड़ा प्रॉब्लम है, इस कनेक्टर को भी रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए तो अब हम ऑन करते हैं, ये सिस्टम है हमारा ऑन करने के लिए। ये देखिए हमारा एम्पियर लेना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि देखिए सिस्टम ऑन हो चुका हमारा। अब एक बार डिस्प्ले ये देखिए आ गया डिस्प्ले हमारा, यानी कि ये देखिए कंप्लीट डिस्प्ले आ चुका है, यानी कि अभी हमारा सिस्टम ऑफ हो गया है। तो मैं आपको दोबारा अगेन दिखा देता हूँ एक बार, यानी कि इस टाइप के छोटे छोटे प्रॉब्लम आपके सिस्टम में आएंगे और आप कहीं भी जाओगे तो आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, यानी कि ये डिस्प्ले आ चुका है आपके आगे, मैंने लाइव दिखा दिया है, यानी कि डेड कंडीशन पे आया था और ये बायोस के कारण क्या था, सिस्टम ऑफ था। तो इस टाइप के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी आपको रिपेयरिंग रिलेटेड, लैपटॉप रिपेयरिंग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, लैपटॉप प्रॉब्लम है, रिपेयरिंग के लिए आप आ सकते हो प्रकाश सेल्युलर सर्विस पे। ये हमारा लोकेटेड है इंदिरा नगर बेंगलोर पे। तो जिस टाइप का भी प्रॉब्लम है आप लेके आ सकते हो, हम यहाँ पे हमारा रिपेयरिंग प्लस ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि ट्रेनिंग भी करवाते हैं हम लैपटॉप रिपेयरिंग चिप लेवल। तो आप आ सकते हो, विजिट आवर इंस्टीट्यूट। थैंक यू।